grown up watching her films and you know ये हम कह सकते हैं कि हमने आज जितनी बार उनके वीडियोस देख रहे हैं मतलब आई डोंट थिंक किसी भी सेलिब्रिटी के जाने का इतना दुख हुआ है. इट इज सो सडन, इट इज सो शॉकिंग कि ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनल लॉस हुआ है. सो इट्स अ बिग बिग लॉस. एंड आई जस्ट मेट हर 2 मंथ्स बैक तो मुझे मतलब इफ यू आर देयर तो वो एक सडनली कई बार दिन में वो मोमेंट्स आता है जब हम साथ में खड़े थे. मैंने हाय मैम कहा उनसे बात की तो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और नोबडी इवन इमेजिन कि ऐसा कुछ होगा. आई डोंट नो मतलब. एंड वो हमारी एक फ्रेंड है उसी की बिल्डिंग में रहती थी तो अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी और अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी. इट्स सच अ वॉइड एंड इट्स रियली जस्ट टू अनफॉर्चुनेट एंड वेल ये एक्चुअली बिलीव करना बिलीव ही नहीं कर सकते. अभी आज और कल तो एक्चुअली हम लोग बहुत ही उस बिल्कुल वहाँ से निकल नहीं पाए हैं और हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग को हमने हमेशा देखा है. उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और अचानक वो हमारे बीच में थी. उनकी हमने फिल्में देखी, अभी फिल्में उन्होंने की मॉम की, इंग्लिश इंग्लिश की और तो यकीन करना मुश्किल है. इट इज नॉट दैट शी वाज रिटायर्ड और समथिंग की आंखों के सामने से थोड़े दिन के लिए ओझल हो गए थे. एंड शी वाज देयर, शी वाज एक्टिव, शी वाज हेल्थी, शी वाज वाइब्रेंट, शी वाज सो प्रिटी, शी वाज वर्किंग, शी वाज सक्सेसफुल, शी वाज स्टिल गिविंग हिट फिल्म्स. सो इट इज़ अनबिलीवेबल. अभी भी मतलब ऑब्वियसली मतलब फ़ोन खोलो तो अभी हर एक पोस्ट में इट इज़ हर पिक्चर एंड विथ ईच फोटोग्राफ शी इज कमिंग अलाइव. और हर बार ही ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ और वो झटका पड़ रहा है. इट इज़ अनबिलीवेबल, इट इज़ अनबिलीवेबल. अच्छा सोनल, आपसे जानना चाहेंगे सडन डिमाइस ऑफ श्रीदेवी कितना डिसहार्टनिंग रहा है आपके लिए? आई थिंक फॉर मी इट हैज़ बीन द बिगेस्ट शॉक एंड आई थिंक सिर्फ मेरे लिए नहीं जैसा आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा शॉकिंग किसी की भी डिमाइज अभी तक नहीं हुई है. आई वॉज नॉट इन टाउन और मुझे रात को जब ये हुआ तब मुझे इसकी खबर आई एंड ऑब्वियसली आई रिफ्यूज टू बिलीव इट लाइक एनी वन एल्स. आई थिंक सभी का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये या तो कोई होक्स है या ये कोई रूमर है और ये ट्रू नहीं है. बट आई मीन लाइक रियली आई स्टिल डोंट हैव वर्ड्स बिकॉज इट वॉज जस्ट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डिमाइज ऑफ एनी वन इन दिस इंडस्ट्री एटलीस्ट इन माई जनरेशन इन माई टाइम. It's really sad and I mean we all know that Sridevi ma'am has been an era in herself. She is somebody that many of us actresses have grown up watching and we came into the industry because you know we saw Sridevi and she gave us all hopes. There was nothing that she couldn't do. She was the most versatile actress ever. I know I'm saying everything jo hum sabhi jante hain but I think it's just the most It's just the biggest loss for the film industry. अपना कोई favorite song जो आप आज भी का कोई favorite? Obviously बिजली गिराने में हूँ आई and किसी के हाथ ना आएगी लड़की. Yeah, thank you, thank you so much. ना चाहेंगे अब श्रीदेवी भी हमारे बीच नहीं रहेंगे. कितना disheartening रहा है आप show चलाते हैं तो morning. बहुत ज़्यादा मतलब ये बात मतलब अल्फाज़ों में बयान नहीं की जा सकती कि एक महानायिका का निधन इस तरह हो गया तो ये इंडस्ट्री के लिए उनके फैंस के लिए तमाम लोगों के लिए परिवार के लिए बहुत लॉस की बात है. और हमारी यू नो क्या कह सकते हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती. आप भावनाओं को समझ सकते हैं कि इट्स पूरे नेशन के लिए शॉक की न्यूज़ है. तो बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है. सारी फेवरेट्स मतलब कौन सी यू नेम इट नो आप अच्छा अपना चालबाज देख लें, मिस्टर इंडिया देख लें, नागिन देख लें, न जाने अनगिनत खुदा गवाह लम्हे हर एक फिल्म जो थी वो अपने आप में एक माइलस्टोन थी. आप इतिहास उठा करके देखें उनकी फिल्मों का तो आपको लगेगा कितना कुछ सीखने के लिए अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है. तो आप उनको पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें तो शायद आधे एक्टर आप वैसे ही हो जाएंगे, अदरवाइज़ फिर तो क्या मतलब.